अबे ये क्या है? कबूतर ले लिए मैंने। अबे यार कबूतर ले लिए? हाँ। तो यार भाई आप इसको जानते होंगे, हमने इससे है ना लकी पिजन लिए थे। आपको कौन से कबूतर थे? लकी पिजन। हाँ ये थे, ये थे। देखिए ये वाले हमने इनसे भाई से लिए थे, आपने देखा होगा, जो कि यार हमने 500 रुपए में इनसे खरीदे थे। और इनने है ना दूसरे कबूतर ले लिए, वो पेटी कितनी अच्छी बनाई यार, उठा के दिखाने जा रहे से एक बार। देखिए यार भाई ने यार बहुत मेहनत की है इस पेटी में यार, देखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपके सारे ही पेट एनिमल अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है ना जिस भाई से हमने लकी पिजन लिए थे ना, हाफ लकी पिजन, उनने है ना दूसरे कोई नए पिजन लिए हैं और छोटा सा ब्रीडिंग लॉफ्ट भी बनाया है। तो हमें यार उसे देखने चलेंगे आज कैसा उन्होंने ब्रीडिंग लॉफ्ट और क्या बनाया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आज सेटअप काम नहीं लगा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और चलिए उससे पहले क्या करते हैं, हम कबूतरों को दाना डाल देते हैं। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे कबूतर अभी खोल दिए हैं, इनको दाना माना भी डाल दिया है, थोड़ा और दाना अभी हम डालेंगे नीचे ला के। देखिए वैसे मैंने डाल दिया, रिलैक्स हो चुके हैं यहाँ पूरे। और यहाँ पे है ना बच्चे बच्चे बैठे हैं जो हमारे बैठे रहते हैं यहाँ पे, कबूतर अंडों पे बैठे हैं तो ये अच्छे से बैठे रहने देते हैं। और मैंने है ना कुछ दवाएं यहाँ निकाली हैं, देखिए। तो मैंने इन्हें पिला दिए, यहाँ पे हमारे दवा का सेटअप रखा है और यहाँ पे मैंने अलग अलग दवा पिलाई है आज कबूतरों को। यहाँ पे हमारी एक दवा रखी होगी, ये रखी है। तो मैंने थोड़ी यार लूज मोशन की दवा भी इन्हें पिला दी आज सही रहे जिससे। और ये देखिए हमारे कबूतर सारे बैठे हुए हैं और आज है ना हमारा काम नहीं लगा हुआ है बिल्कुल भी यार, काम वाले आए नहीं है बिल्कुल भी। तो पता नहीं क्यों नहीं आए यार काम वाले। हाँ अबे ये क्या है? कबूतर ले लिए मैंने। अबे यार कबूतर ले लिए? हाँ। तो यार भाई आप इसको जानते होंगे, हमने इससे है ना लकी पिजन लिए थे। आपको कौन से कबूतर थे? लकी पिजन। हाँ ये थे, ये थे। देखिए ये वाले हमने इनसे भाई से लिए थे, आपने देखा होगा, जो कि यार हमने 500 रुपए में इनसे खरीदे थे। और इनने है ना दूसरे कबूतर ले लिए, वो पेटी कितनी अच्छी बनाई यार, उठा के दिखाने जा रहे एक बार। देखिए यार भाई ने यार बहुत मेहनत की है इस पेटी में यार, देखिए यहाँ पे कब्जे भी देख कितने अच्छे कसे हुए हैं। और यहाँ पे तार मार भी लगा रखा है बहुत ही अच्छे से यार, इनने इस पे मेहनत की हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेटी ने तैयार करी यार, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी वीडियो नहीं बनाई? नहीं। तो यार इनने है ना, मैं आपको बताना भूल गया, हाँ 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 तो मैं बता रहा हूँ। तो यार इनने एक नया चैनल खोला है, तो बहुत से भाई मुझे कमेंट कर रहे थे यार के मतलब ये कमेंट कर रहे थे यार हमें शुरू से बताएं कबूतर कैसे पालना है, जोड़ा कैसे लगाते हैं कबूतर का, कबूतरबाजी शुरू कैसे करें, हम स्टार्ट कैसे करें कबूतर पालना, और कबूतर का जोड़ा कैसे लगाते हैं, और कबूतर उड़ा देते हैं तो फिर वापस कैसे आते हैं। उनको कोई भी नॉलेज नहीं था इसके बारे में। तो ये भाई से आप नॉलेज ले सकते हैं यार, इन्हें नया नया चैनल खोला है अपना यूट्यूब पर, और इनके पास सिर्फ दो कबूतर है और वो आपको ये बताएंगे दो कबूतर से कबूतरबाजी स्टार्ट कैसे करना है, सब कुछ आपको ये ए टू जेड चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे। इनके चैनल की लिंक है ना मैं ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इनसे सीख सकते हैं कैसे कबूतर पालना है। और शायद ये इसकी वीडियो तो नहीं आ पाई, इन्हें बनाई नहीं है यार, ये बोल रहा है नहीं बनाई ना, नहीं बनाई। तो खोल कर दिखाओ यार इसे, देखते हैं। देखिए पहले पेटी का लुक दिखाता हूँ मैं एक बार। देखिए यहाँ से इनने कुछ ऐसी जुगाड़ कर रखी है और यहाँ से ये कब्जे लगे हैं। तो अब इसे खोलते हैं हम, यहाँ से ये तार लगाए, देखिए यहाँ से ये देखिए माशाल्लाह, एक इनने छोटा सा ब्रीडिंग लॉफ्ट बना दिया यार। थोड़ा ऐसे करें अपन, साइड से थोड़ी धूप आएगी ना तो अच्छा दिखेगा। ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह यार, देखिए छोटा सा एक प्यारा सेटअप बनाया है। तो इस पर चैनल में वीडियो आएगी ना इनके, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, देख लेना आप। नया नया चैनल खुला है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे ये भाई। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी इनकी। तो ये कबूतर लाएँ, ये खुद के लिए लाएँ, ये अपने लिए नहीं लाएँ, दिखाने लाए थे यार मुझे। ये यहाँ से दूर जा रहा है, ये वाला घर देखा होगा इनके, इनका आपने यहीं मतलब ये आसपास हम दे रहे थे हमारे। तो ये आप जा रहे हैं यहाँ से, कहीं दूर रहेंगे यार ये। तो ये पहली बार आप दिखाने आए हमें, आखिरी बार और पहली बार दोनों साथ में ही हो गया। यहाँ पर कबूतर, ये आपको बताना कौन सी नस्ल के हैं, एक को रंग वाली है। तो कितने खरीद लिए ये? ये खरीद लिए 500 रुपये के। ये भी इनने 500 खरीद लिए, मतलब हमने दिए तो वही वाले 500 रुपये के। तो देखिए यार हमने इनसे लकी पिजन लिए और इनने ये उड़ान वाले ले लिए, इन्हें उड़ान वालों का शौक था, हमें फैंसी का शौक था। तो यहाँ पे इनने ये ले लिए, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे पिजन है यार। देखिए इन्हें छोड़ के दिखाता हूँ मैं बाहर, पायल है एक के पैर में, ये देखिए माशाल्लाह। इनको क्या आपने कीड़े वाली दवा लगाई है? हाँ। अच्छा सही करा यार, नए पिजन को लाते हैं और कीड़े वाली दवा जरूर लाते हैं लगाते हैं। आप बता दीजिएगा जो आप चैनल पर शुरू कैसे करते हैं सब बता दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे लग रहा है, इसका मेल कहाँ गया? वो रहा मेल, ये रही फीमेल, काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं यार, देखिए देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यार। आप मुझे नस्ल बताइए कौन सी नस्ल के हैं ये, इसके ऊपर कास निकल रहे, तो ये आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना ये कासनी बच्चे निकालेगा या नहीं। और इसके ऊपर भी थोड़े छिटके छिटके हैं, दोनों उड़ान वाले हैं, हाई फ्लायर पिजन है दोनों। तो ये भाई अच्छे से पालेंगे, अच्छे से टेक केयर करना इनकी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, तो इन्हें आप बंद कर देते हैं हम जल्दी से, तो भाई को लेट हो जाएगा यार। तो उनकी बस भी आने वाली जा रहे हैं ना ये यहाँ से। ओ भाई पकड़ने में थोड़ी, एक और पकड़ लो फीमेल को, मैं इसके अंदर बंद कर देता हूँ यहाँ जल्दी से। यहाँ पे इसको गेट लगा देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सेटअप बनाया यार भाई ने, इसमें है ना बिल्ली भी कुछ नहीं कर पाएगी इसका, देखिए ये देखिए कितना मजबूत बनाया है माशाल्लाह। तो चलो बंद कर दो इसे भी,
यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सेटअप बनाया यार। तो ये कुंदा भी लगा दो। हाँ तो यार चलो भाई अब ले जाओ, नहीं तो आपकी बस आ जाए, उठा लो। तो डाल देंगे लिंक, सब्सक्राइब कर देंगे लोग आपको चैनल को। तो अच्छे से वीडियो डालना, ठीक है, सब कुछ बताना, ठीक है। अलविदा। अलविदा। तो यहाँ से देखिए कबूतर मबूतर पूरे अच्छे से घूम रहा है हमारे। तो भाई का सेटअप तो अच्छे से चले गए होंगे शायद। गए गए। तो चलो यार बहुत अच्छा लगा मुझे यार उनका सेटअप देखने में, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा मुझे, तो दिल खुश हो गया यार एकदम देख के। यार अभी अभी है ना मैं वहाँ से बस आई थी, मैं भाई को है ना बस पर बैठा के आया हूँ, और फिर मैंने क्या करा कबूतर को दाना डाला, देखिए अभी दाना ही खा रहा है। इसमें मैंने रोटी मली थी, पहले मैंने दाना डाला सिर्फ गेहूँ और जो राई माई रहती है मिक्स दाना डाला था मैंने, फिर मैंने क्या करा यार रोटी मली और इनको फिर डाल दी। देखिए यहाँ पर रोटी है ना मैंने मार के डाली हुई थी, ये रोटी इन्होंने पूरी ख़त्म कर ली है, और जिसको अंडे पे जाना था वो अंडे पे चला गया यहाँ पे, और वो भी अंडे पे चला गया है, और वो दोनों बच्चे बैठे हैं। देखिए माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है। और उस भाई को यार मैंने बस में बिठा के आया क्योंकि यार उस टाइम में कबूतर दिए थे और वो भी कबूतरबाजी स्टार्ट कर रहा है यार, तो उसका थोड़ा सपोर्ट कर दिया थोड़ा सा मैंने उसे, तो अच्छा रहता है। हमने ये वाला है ना कबूतर उससे लिया, देखिए ये वाला ये फैंसी है ना, कितना अच्छा लग रहा है। ये हाफ लकी पिजन है, लकी क्रॉस बोल सकते हैं आप इसे, देखिए बहुत से लोग जानते होंगे। लेकिन इसके पूछ के पर मैं है ना निकालने वाला हूँ कुछ कुछ, क्योंकि इसको कीड़ों ने खा लिया है, और इसे मैं नहलाने ही वाला हूँ इसे, नहीं सारे पिजन को हमारे। बस एक दिन अच्छा धूप निकल जाए यार, अभी तो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब मौसम चल रहा है, हवा वावा चल रही है, तो इस टाइम मैं नहीं ले जा सकता। और आज है ना सुबह सुबह अभी अभी मैंने क्या देखा था, हमारे छत पर है ना बाज आया था, चलिए मैं देख के आता हूँ अब भागे या नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेता हूँ अंडा मंडा नहीं है, इसके अंदर की सफाई करना है यार मुझे, देखिए कितना गंदा हो रहा है। तो इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, तो यहाँ से मैंने देखिए इसे बंद कर दिया है, और डक का अंडा अरे कहाँ लगा दिया, ये बंद हो गया, और डक का अंडा है ना बंद, जल्दी से उठा लेता हूँ मैं डक का अंडा यहाँ से। देखिए ये देखिए डक खोली थी मैंने अभी, तो मैं दोनों हाथ में डक को ले गया था, तो मेरा अंडा नहीं उठाया था उनका, तो यहाँ से आप डक को उठा के मतलब अंडे को उठा के जल्दी से रख देते हैं, और ऊपर देख के आते हैं बाज गए हैं या नहीं। तो जल्दी से आज हमारे डक ने अकेला दिया है बस अंडा, और उसने नहीं दिया यार, मुर्गा मुर्गी और किसी ने दिया, शायद बाद में दें क्योंकि मुर्गा मुर्गी कभी भी देते हैं, लेकिन डक है ना वो सुबह ही दे देती है। यहाँ पे देखिए, और उस भाई ने जो बनाई थी ना पेटी वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, पता नहीं कैसे बनाई थी उसने, अपन ही बनाने की कोशिश करेंगे। वो पेटी कितनी मस्त लग रही थी यार, आपने अभी देखी होगी, यहाँ पर कोई काम वाम नहीं लगा है, बाज माज सब भाग चुके हैं। अब मुझे समझ में आ गया बाज का टाइम कब रहता है, समझ में आ गया है 10 से 11 बजे तक बाज का टाइम रहता है, उस टाइम पे आए थे वो। देखिए ये काम अभी अटका क्यों पड़ा है यार, क्योंकि दो दिन से सर्दी बहुत तेज़ पड़ रही है, जिससे है ना मिस्त्री मजदूर काम नहीं करने आ रहे हैं। तो अभी सोच रहा हूँ अभी इतनी धूप तो निकल रही है, तो अभी है ना इसलिए धूप निकल रही है क्योंकि दो बज चुके हैं लगभग, हाँ दो बज चुके हैं, इसलिए आधा दिन तो हो ही चुका है, तो इंशाल्लाह अब कल से काम लगेगा, ऊपर आने थक जाते हैं यार काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए इनकी तराई भी नहीं करी है मैंने, सूखी पड़ी है, तो इंशाल्लाह अभी जल्दी से इनकी तराई भी करना है मुझे, यहाँ से मोटर चालू करूँगा और फिर इसकी तराई करूँगा मैं, तो जल्दी से हम क्या करते हैं नहीं चलते हैं। और यहाँ से मुझे आपको एक और बात बताना थी, जो यहाँ की पेटियाँ हैं ना वो भी हम जल्दी से लाने वाले हैं, जहाँ पर लकड़ियाँ लगना है यहाँ पर इस तरह से लकड़ियाँ लगेंगी जो, वो भी हम पेटियाँ जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह लकड़ी लेके आएंगे और पेटियाँ बनाना शुरू करेंगे, और उसकी वीडियो हमारे चैनल पर रहेगी, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी पेटी बनाने की कोशिश करेंगे हम, देखते हैं किस तरह की पेटी बनती है। उस भाई ने तो काफ़ी अच्छी पेटी बनाई थी यार, मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा, और ये एंगल भी हमारे रखे हैं ना, हमने ने पेंट किया अभी तक और ना यहाँ पे कसा, और कसेंगे भी कैसे यार, यहाँ का काम स्टार्ट होना, देखिए यहाँ का काम स्टार्ट होना था इधर का, इधर पे दीवार उठनी थी, इधर पे भी दीवार उठनी थी, और फिर यहाँ का काम लगता फाउंटेन का हमारे, और फिर पिजन हाउस का तो हो चुका है, और चिकन कोक जो मुर्गियों का घर है वो भी बनना था हमें, तो जल्दी जल्दी बनवाएंगे, और रैबिट हाउस का काम भी लगना था, और यहाँ से नीचे दीवार उठनी थी, उसके बाद हमें ना क्या करते एंगलों को लगाते, तो वो सब काम रहता है यार। तो जल्दी से क्या करते हैं नीचे चलते हैं और कबूतरों को देख लेते हैं थोड़ा बहुत, और बैठ जाए तो आना खा के लगता है वो, तो कुछ कबूतर खा रहा है। तो जल्दी जल्दी यार मैं नहलाने की सोच रहा हूँ, देख मौसम देख ही लिया होगा क्या चल रहा है मौसम, दिन दिन भर तो यार धूप नहीं निकल रही, दो दो बजे 12-12 बजे धूप निकल रही है, तो इंशाल्लाह मैंने कल मजदूर भाई से बोला मतलब मिस्त्री भाई से बोला है ज़रूर से ज़रूर आना यार, क्योंकि यार हमारे जल्दी जल्दी काम करवाना है हमें, फिर इसके ऊपर छवाई भी होगी यार, इसलिए काफ़ी ज़्यादा देर लग जाएगी, इसलिए मैंने उनसे बोला है जल्दी जल्दी आएँ, फिर हम पुताई वुताई करेंगे, बहुत सा काम रहता है, फिर हमें नए नए जानवर कबूतर पिजन लाना है, तो यार बहुत ज़्यादा काम है अभी। तो अभी हमने दाना वहाँ सबको डाल दिया है, और हमारी मुर्गी वहाँ पर चुन रही है, देखिए वो दूर वाइड एंगल होना अभी दिख नहीं रही होंगी, और डक भी यहीं कहीं घूम रही होंगी, डक को मैंने निकाल दिया है,
और उनका अंडा भी उठा लिया है मैंने। तो माशाल्लाह रोज डक अंडा दे रही है। इनक्यूबेटर की जुगाड़ में कर रहा हूँ, तो मुझे ऑनलाइन मिला एक इनक्यूबेटर छोटा सा, उसको मैं मंगवाने की सोच रहा हूँ। तो मंगवाऊंगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जब मंगवा लूंगा, और उसके अंदर हम अंडे फिर इनक्यूबेट करने रख देंगे। तो देखते हैं बच्चे निकलते हैं या नहीं निकलते। हम डक के अंडे इनक्यूबेट करवाने रखेंगे यार, मुर्गियों के हम नहीं करवाएंगे, डक के देखना है। वो बच्चे मुर्गियों के देख चुका हूँ मैं, डक के आज तक नहीं देखे मैंने अंडे बच्चे, तो यार वो देखने का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है, इसलिए मैं ना डक के अंडे इनक्यूबेट करवाऊंगा, मुर्गियों के नहीं करवाऊंगा। और यहाँ पे ये मेल है ना, ये वाला, ये काला वाला मेल है और ये वाली फ़ीमेल है, तो ये भी जल्दी जल्दी अंडे रख देंगे हमारे सेटअप पे। देखिए ये, और इसके तो अभी अंडे रखे हुए हैं जिसने एक बच्चा मार दिया था जाले में। ये देखिए ये वाला, ये इसका एक बच्चा है जो इसकी फीमेल ने पाला। ये देखिए मेल ने इसको नहीं पाला यार, तो बहुत ही बेकार है यार मेल। और यहाँ पे माशाल्लाह ये दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, इनके माँ बाप भी अच्छे हैं और ये भी अच्छे हैं। देखिए इसको देखने का तो मेरा बार बार दिल चाहता है यार। ये देखिए उस साइड से दिख जाओ यार एक बार, इस साइड से, अरे इस साइड से यार, हाँ देखिए एक साइड से फुल ब्लैक है, इस साइड से ही फुल ब्लैक होता ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। तो इसका देखिए एक वाइट है और एक ब्लैक है, मुझे लगता है ये मेल है क्योंकि बड़ा है और ये छोटा है, ये पहले निकला था ये बाद में, तो जो पहले निकलता है वो मेल निकलता है। तो देखते हैं यार बड़े होकर क्या निकलता है, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं यार इसके बारे में भी। और हमारे टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे यहाँ पे, तीन बच्चे ये, चार ये, अगर निकलेगा ये, तो अभी तो नहीं निकले हैं, तो देखते हैं शायद इंशाल्लाह कल या परसों तक निकल जाएं। जब भी निकल जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। और जंगली के अंडों का हमें मतलब बच्चों का हमें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है, कब तक निकलते हैं यार तो कोई पता नहीं है यार, कभी भी निकल सकते हैं, हम टाइम नोट नहीं किया था। अब जब भी निकल जाएं मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी ना वीडियो को लाइक जरूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।